तो जब हम मोबाइल से वीडियोस को शूट करते हैं तो मोबाइल की कैमरा की इतनी हाई रेजोल्यूशन नहीं होती है, इवन लाइट सेटअप भी इतना अच्छा नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई हमारी जो वीडियो की क्वालिटी वो काफ़ी ख़राब होती है। तो जब आप वीडियो एडिट करती हो तो साथ ही साथ अगर कलर ग्रेडिंग कर लोगी तो आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही प्रोफेशनल क्वालिटी हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मुझे लग रहा था ये बहुत ही आसान है, बट थोड़ी सी मुश्किल है, वीडियो को जस्ट आपको एंड तक देखना है। फिलहाल आपकी जो क्लिप है उसको आपको एडिटिंग कर लेना है, देन आपको यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। एंड काइनी मास्टर की लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड करना है एंड कलर एडजस्टमेंट पर आपको जाना है। देन पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगी जिससे ब्राइटनेस को आपको यहाँ पे 30 कर देना है, तो मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ, तो आप मेरी जो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो एंड अपनी वीडियो के ऊपर ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको लगे कि हाँ ये बेटर है देन आप अप्लाई कर सकते हो। देन नीचे यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा जिसे मैं प्लस कर देता हूँ एंड सैचुरेशन यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ 12। सैचुरेशन अगर आप ज़्यादा दोगी तो आपकी स्किन टोन काफ़ी हाईलाइट हो जाता है, तो यहाँ पे मैं 12 रखते हैं। तो एम विजिबल यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ जैसे कि 17। देन यहाँ पे आपको टेम्परेचर आना है और टेम्परेचर को आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्लस कर देना, प्लस 30 में यहाँ पे कर देता हूँ फिलहाल। तो इससे क्या होता है आपकी जो बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा वाइट रहता है तो वो यहाँ पे हल्का नॉर्मल ब्लू जैसा लुक आ जाता है। देन नीचे यहाँ पे आपको हाईलाइट के एक ऑप्शन मिलता है, तो हाईलाइट को आपको थोड़ा ज़्यादा देना है ताकि आपकी कैमरा से जब वीडियो शूट करते हो तो डिटेल्स वगैरह थोड़ा सा मिसिंग रहता है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आपको शेडो मिल जाएगा जिसको आपको हल्का सा दे देना है, प्लस कर देना है, तो यहाँ पे 10 प्लस कर दे तुम्हें। एंड ये जो ग्रीन ऑप्शन एक ऑप्शन मिल जाए इसको आपको माइनस कर देना है, ठीक है। ज़्यादा कर देंगे तो आपकी जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड पे हल्का सा जो है ब्लू जैसा इफेक्ट आ जाता है, आप देख सकते हो वाइट के ऊपर ब्लू इफेक्ट आ जाते हैं, तो ये देखने में काफ़ी कूल लगता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक जम्मा बोल के एक इफेक्ट है जिसको आप थोड़ा, ये जो नीचे 3-4 इफेक्ट है मतलब, तो इसको आपको थोड़ी सी ध्यान से देना है। तो जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ -5, इससे आपकी जो फेस है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाती है। फिर यहाँ पे लेफ्ट की एक ऑप्शन आपको मिल जाती है, तो ये आप अगर ज़्यादा दोगी तो आपकी वीडियो जो काफ़ी बिगड़ जाएगी एंड कम दोगी तो भी ये बहुत ही गंदी जैसा लगता है, तो इसको आपको हल्का सा दे देना, जैसे -2 में देने वाला हूँ यहाँ पर फिलहाल। सॉरी +2 में, यहाँ पर +2 देने वाला हूँ। सो अभी आप देख सकते हो इसे +2 पे आपकी वीडियो की क्वालिटी पे कितनी ज़्यादा फ़र्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देन नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको आपको कर देना है -5, 6 एंड 7 आप रख सकते हो, क्योंकि ये आपकी जो है पूरी की आपकी फेस की जो है रंग बिगाड़ सकती है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो इसको आपको +5, 6 एंड 7 इससे ज़्यादा आप मत दो तो बेटर है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे -+6 यूज़ कर रहा हूँ। देन आपकी जो है एडजस्टमेंट की काम ख़त्म हो चुकी है, तो आप अब वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके देख सकते हो तो आपको जो कैसा लग रहा है आपकी क्वालिटी वगैरह। तो अभी देखोगे कि आपकी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएंगे। देन यहाँ पर हम अभी यूज़ करेंगे एक फ़िल्टर, तो आपको फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है एंड नीचे आना है, यहाँ पे विविड की एक फ़िल्टर आपको मिल जाती है एंड यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ V01। तो इससे आपकी जो फेस के ऊपर जो इंडियन की जो कलर होती है हम लोगों की, जैसे हल्का सा ऑरेंज कलर, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड आपकी जो बैकग्राउंड है वो भाई वाइट के ऊपर ब्लू एंड आपकी जो फेस है ये हल्का सा ऑरेंज हो जाएगी, तो ये देखने में काफ़ी अच्छे लग जाए। देन यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन है तो इसको आपको एनेबल कर देना और साइड पर जो है आपको कुछ ऐसे ब्लैक सा आ जाएगा, तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इसको आपको माइनस कर देना, जो आपकी जो इफ़ेक्ट क्या बोलते हैं उसको भाई फिल्टर की जो विजिबिलिटी है उसको आपको ऑफ कर देना एंड विदाउट फिल्टर देके आप देख सकते हो ये आपकी वीडियो विदाउट फिल्टर। मैं फ़िल्टर को यहाँ पर अभी ऑफ करके रखा हूँ, तो आप देख सकते हो ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ कर लो तो आपकी वीडियो और भी बेटर हो जाएगी। सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत यहाँ पे आप प्ले करके भी
आप देख सकते हो वीडियो की क्वालिटी वो कैसा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर से फ़िल्टर को जो है ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और ओके ये वो फ़िल्टर एंड इसकी जो विजिबिलिटी इसको आपको ज़ीरो कर देना मतलब एकदम। एंड यहाँ पे और भी आपको फ़िल्टर मिल जाते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हो। मैं ट्राई करके देखा था बट मेरे को इतना बेटर नहीं लगा। सो गाइस आप अभी देख सकते हो आप जो पहले मोबाइल से वीडियोस को शूट की थी वो वीडियो और ये वीडियो आपको बहुत डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आप अगर वीडियो बनाती हो अपने स्मार्टफोन को यूज़ करके तो कैनमास्टर को यूज़ करके आप कुछ इस तरीके से जो कलर ग्रेडिंग कर सकती हो। सो गाइस यहीं था वीडियो, होप तुम लोगों को बढ़िया लगा। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके।